नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये काजू लेकर के आई हूँ, इससे मैं हलवाई स्टाइल में परफेक्ट काजू कतली यहाँ पे बनाऊँगी, जो आप भी बना सकते हैं इस जन्माष्टमी पर, है ना। और ये देखिए, इसको मैं पहले ओपन कर ली हूँ, तो ये जियो मार्ट से लिया है काजू, अच्छा है, देख सकते हैं कितना अच्छा फ्रेश ताज़ा है। तो एयर टाइट करके ये ना पैकेट बंद रहता है, जिससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और यहाँ देखिए, मैं ये 500 ग्राम है, तो इसमें 250 ग्राम तक मैं काजू यहाँ ले रही हूँ, इतना का मैं बनाऊँगी और आधा इधर छोड़ दी। तो ये देख सकते हैं, इसको अच्छे से दो पानी से यहाँ पे धोएंगे, क्योंकि इसमें कुछ गंदगी वगैरह होगा तो वो सब निकल जाएगा, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। कुछ केमिकल डाला होगा, कुछ भी किया होगा, तो वो सब साफ़ हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए दो पानी से अच्छा यहाँ पर पहले मैं धो दूँगी, ये देख सकते हैं, और कुछ भी होगा तो साफ़ हो जाएगा सब। और यहाँ देखिए, ऐसे अंदर देख लेंगे, कुछ कीड़ा वीड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब अच्छा है, साफ़ है। तो बस अब इसको जो है पहले पानी निकाल देते हैं, ऐसे एक बार धो करके, ये देख सकते हैं निकला ना थोड़ा गंदा पानी, एक बार और साफ़ कर देते हैं। तो दो बार इसको अच्छे से पहले साफ़ कर देते हैं, तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में यहाँ परफेक्ट कतली मैं बनाऊँगी। आप बने रहिएगा लास्ट तक, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए, मैं इसमें अब फ्रेश ताज़ा पानी जो है इसमें डाल दे रही हूँ अच्छे से, और इतना ही पानी डालूँगी, अच्छे से ये सोक करेंगे। दो घंटे के लिए इसको मैं ढक करके रख देती हूँ, अच्छा फूल जाएगा, ये बढ़िया फूल जाएगा। उसके बाद इससे बनाएंगे कतली, जो परफेक्ट हलवाई स्टाइल में बनेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप मार्केट से लेके आते होंगे, उससे भी कहीं ज़्यादा प्योरिटी के साथ बनेगा ये, कुछ भी मिलावट नहीं होगी इसमें। और यहाँ देखिए, मिक्सी का जार ले आई हूँ मैं, तो इसमें इसको डालेंगे, और आप दो बार करके भी पीस सकते हैं, तो मेरा एक बार में ही हो जाएगा, ये इतना है कि बराबर परफेक्ट आएगा। तो बस मैं इसमें डाल दी, और पानी जो दिख रहा है आपको, इसमें ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे पीसने में, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी डाल करके पीसना नहीं है। आप चाहे तो इसको जो है ना उसमें भी पीस सकते हैं, सिल्वर पर भी पीस सकते हैं। अब पीस के काजू का बर्फी बहुत ही अच्छा बनता है। और यहाँ देखिए, थोड़ा सा अभी दिख रहा है ना दरदरा, तो और पेस्ट करना है इसको, लेकिन मिक्सी को रोक रोक के चलाइएगा, नहीं तो यदि इसमें तेल निकल गया ना तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, कड़वा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मिक्सी हमेशा रोक रोक के ही चलाना है, मिक्सी जो है ना ज़्यादा तेज़ी से लगातार नहीं चलाना है। और यहाँ देखिए, अच्छा पेस्ट ये बन गया है, तो बस इसको निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से साफ़ करके मैं निकाल दी, इसमें डाल दी हूँ। और कई बार जो है ना, और यहाँ देखिए, चीनी, चीनी को मैं पाउडर बना करके लेके आई हूँ, तो मैं यहाँ चाशनी नहीं बनाऊँगी, साथ में दोनों को मिक्स करूँगी। अभी गैस जो है ना एकदम मतलब कि स्टार्ट कर दी हूँ, लेकिन बिल्कुल लो में है, सेम में ही गैस रखना है, अच्छे से मिक्स करना है। और जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा चीनी इसमें, उसके बाद थोड़ा सा गैस को मतलब मीडियम में ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है गैस का, मीडियम फ्लेम में ही इसको पकाएंगे, लगभग 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक इसको पकाएंगे, तभी अच्छा ये बन करके तैयार हुआ है। और यहाँ देखिएगा, ये देखिए आपको चेंज होते हुए दिख रहा होगा कि धीरे धीरे ये पकने लगा है, बस लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी हाथ रोकना नहीं है, 10-15 मिनट तक इसको लगातार चलाते हुए अच्छा एकदम से तभी बन के तैयार होगा। यहाँ देख सकते हैं, चीनी इसमें मिक्स हो गया है और पकना शुरू हो गया है ये चीनी के साथ, है ना। तो बस अब यहाँ अब तैयार होने वाला है। तो यही सब स्टेप है इसका, जो ध्यान रखेंगे, कई बार जो है ना सूखा पाउडर का भी लोग बनाते हैं, जैसे काजू को पहले ही ऐसे ही सूखा ही भून दिए, मतलब भून दिए नहीं, पीस दिए, पाउडर बना दिए, और उससे भी बनाते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो है ना ये वाला जो है भिंगो करके जो बनाते हैं, वो बहुत ही परफेक्ट बनता है। आप ज़रूर देखिएगा, मैं पहले ट्राई की थी वो वाला, तो इतना टेस्टी नहीं बना था जितना इसमें टेस्ट आया है, बहुत ही परफेक्ट बना है बिल्कुल। और यहाँ देखिए, बस ये अब तैयार होने वाला है, देख सकते हैं, है ना। तो जमने के लिए अपने आप ही लगेगा आपको कि तैयार होने लगा है, इसको जो है ना अच्छे से फैला देंगे, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे गैस बंद करूँगी और अच्छे से फैला करके इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए छोड़ना नहीं है, लगातार बीच बीच में चलाते रहना है, फैलाते रहना है इसको, जितना अच्छा मिक्स करेंगे ना उतना अच्छा ये बनता है। और यहाँ देखिए, अच्छी तरह से इसको
देख सकते हैं ऐसे फैला दी। अब मैं दिखाती हूँ इसमें से जो ये तैयार हो गया है कैसे देखेंगे, ये देखिए ऐसे गोल करके देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं चिपचिप हो रहा है, गोल हो जा रहा है। तो बस ये मतलब तैयार है, यही देखने का इसका तरीका है कि ये तैयार हो गया है। बस अब इसको निकाल देते हैं, यहाँ देखिए, और थोड़ा और ठंडा होगा, ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा और ठंडा होगा, फिर इसको बेल के तैयार करेंगे शेप देने के लिए। तो बस यहाँ पे इसमें निकाल दिया और यहाँ ले आई हूँ मैं ये देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक पर डाल के इसको यहाँ पे शेप देंगे बेलन से, हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलना है, हल्के हाथों से इसको यहाँ पे अपने हिसाब से शेप दे देंगे, जितना आपको जिस तरीके का शेप चाहिए। काजू कतली का तो शेप यही होता है। और ये देखिए अच्छे से पहले यहाँ पे धीरे धीरे बेल करके मैं चौकोर ऐसे कर दी। अब इसको कट कर लेते हैं, तो कट करने के लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं मैं ऐसे पहले इस तरह से लंबा कट कर दी, फिर उधर से तिरछा कर देंगे तो बस हो जाएगा ये। तो बस यहाँ देख लीजिए इधर से भी कट कर देते हैं और बस शेप ले लेगा। तो शेप आप अपने हिसाब से इसका बना सकते हैं, और ये थोड़ी देर और जो है ना सूखेगा तभी अच्छा बन जाएगा। मुझे थोड़ा जल्दी था तो इसलिए मैं जल्दी कट कर दी हूँ यहाँ पे, और इसको जो है अभी रख देंगे सूखने के लिए थोड़ी देर, पंखे में रख दीजिए या ऐसे भी आप 2-3 घंटे छोड़ दीजिएगा ना तो अच्छा सूख जाता है यहाँ पे। और ये देखिए, और चीनी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ, तब बहुत ज़्यादा टाइट बर्फ़ी नहीं बनेगा, ये अच्छा बनेगा, और चाशनी भी नहीं बना है तो अच्छा सॉफ्ट बर्फ़ी यहाँ पर बन जाएगा। तो ये सेब देखिए कितना अच्छा बन गया है ना, और इसको अब थोड़ी देर सूख के ठंडा होगा, फिर इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी प्योर एकदम बन के तैयार हो गया है। यहाँ देख सकते हैं, तो मैं इस तरह से पतला पतला यहाँ पे कट करके इसमें प्लेट में डाल दी हूँ, और थोड़ी देर फैला के छोड़ दूँगी, और थोड़ा साइड में जो था कट, जो साइड में निकला था अच्छा नहीं कटा था, उसको मैं यहाँ पे गोल पेड़ा का शेप दे दी हूँ। तो आशा है पसंद आया होगा ये रेसिपी, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा, फुल सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं इस तरह की और नई रेसिपी के साथ। जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ, इन्जॉय कीजिएगा और बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।